रेल न्यूज सेंटर पर आपका स्वागत है। ग्रुप सी पदों के अंतर्गत पदोन्नति के 100% वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों के संबंध में स्पष्टीकरण। क्वेरी वन, यदि प्रश्न पत्र में गलतियां हैं तो क्या कार्रवाई की जाएगी, जैसे कि क, ऐसे प्रश्न जिनका सभी चार विकल्पों बहुविकल्पीय में कोई सही उत्तर नहीं है, अस्पष्ट प्रश्न है, ग, गलत गणितीय या वैज्ञानिक प्रतीक है। यदि पेपर सेट करने वाले स्वयं प्रश्न पत्र में अपनी गलतियां बताता है। क्लैरिफिकेशंस, रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांक 2010 RRB 2527 PT दिनांक 9/6/2011 के अनुसार, जो यह निर्धारित करता है कि जहां भी प्रश्न पत्र में कोई भी प्रश्न गलत पाया जाता है तो अनुग्रह अंक और कच्चे अंक देने के बजाय प्रश्न को मूल्यांकन के दायरे से हटाया जा सकता है और प्रतिशत के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है। यही सिद्धांत विभागीय परीक्षाओं के लिए भी अपनाया जा सकता है। क्वेरी टू, प्रश्न के गलत होने पर ऐसे प्रश्न को गलत मानकर प्रश्न को मूल्यांकन के दायरे से बाहर करने का निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन हो सकता है, प्रश्न पत्र तैयार करने वाला हो या अगला उच्च प्राधिकारी। क्लैरिफिकेशंस, विभागीय परीक्षाओं के समापन के बाद उम्मीदवारों से आपत्ति प्राप्त की जा सकती है। चयन बोर्ड के सदस्यों यानी प्रश्न पत्र सेटर को प्रश्नों विकल्पों की शुद्धता के बारे में निर्णय लेना चाहिए और मूल्यांकनकर्ता को भी मूल्यांकन शुरू करने से पहले खुद को इससे संतुष्ट करना चाहिए। क्वेरी थ्री, RRB चयन और विभागीय चयन की प्रक्रिया अलग अलग है, क्योंकि RRB में उम्मीदवारों को सभी प्रश्नों को हल करने के निर्देश के साथ 100 प्रश्न प्रदान किए जाते हैं, जबकि विभागीय चयन में राजभाषा के 10 वैकल्पिक प्रश्न के साथ कुल 110 प्रश्न होते हैं। 110 प्रश्नों में से कर्मचारियों को केवल 100 प्रश्न ही हल करने होते हैं। इस स्थिति में कुछ कर्मचारी गलत प्रश्न का प्रयास कर सकते हैं और उनमें से कुछ गलत प्रश्न का प्रयास नहीं कर सकते हैं, और प्रश्न पत्र में पहले से ही उपलब्ध राजभाषा के अन्य प्रश्न का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में 2 प्रकार की उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध होती हैं, एक उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने गलत प्रश्नों का प्रयास किया है और दूसरा उनके लिए जिन्होंने तथाकथित गलत प्रश्नों का प्रयास नहीं किया है और इसके बजाय अन्य प्रश्नों का प्रयास किया है जो प्रश्न पत्र में उपलब्ध हैं। क्लैरिफिकेशंस, ग्रुप सी से ग्रुप बी में पदोन्नति के लिए चयन और LDCE में अपनाई जाने वाली निम्नलिखित प्रक्रिया को ग्रुप सी चयन LDCE के लिए भी लागू किया जा सकता है। यदि प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न उत्तर गलत हैं, तो पत्र 2010 RRB 2527 दिनांक 9/6/2011 में निर्धारित प्रक्रिया केवल उन उम्मीदवारों के लिए अपनाई जाएगी जो उन गलत प्रश्न या गलत उत्तर वाले प्रश्नों का प्रयास किया है। यह वैकल्पिक प्रश्न वाले प्रश्न पत्रों पर लागू होगा। क्वेरी 4, क्या विभागीय चयन में गलत प्रश्नों संबंधी अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में अभ्यर्थियों कर्मचारियों को पहले से सूचित किया जाना आवश्यक है? क्लैरिफिकेशंस, वर्तमान में अपनाई जा रही प्रक्रिया जारी रह सकती है या सभी मौजूदा आवश्यकताओं के अनुरूप उचित समझे जाने पर इसे संशोधित किया जा सकता है। गलत उत्तर के मामले में प्रश्नों को हटाने का प्रावधान अधिसूचना में उल्लिखित किया जाना चाहिए। क्वेरी 5, क्या गलत प्रश्नों की अधिकतम संख्या की कोई सीमा है जिसे मूल्यांकन के दायरे से हटाया जा सकता है, और यदि प्रश्नों की संख्या निश्चित सीमा से अधिक हो तो गलत पाए जाने पर लिखित परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया जाता है? क्लैरिफिकेशंस, ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।